जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी, आज आप लोगों के लिए नाउन का फोर्थ क्लास लेकर आया हूं। नाउन के फोर्थ क्लास में हम जेंडर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जेंडर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और हाउ टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर इंटू फेमिनिन जेंडर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के लिंग। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर का मतलब होता है कोई भी नाउन से आपका नर या मादा का पता चल रहा है, किस कोई भी नाउन से आपका उसके लिंग का पता चलता है। जेंडर से पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसी को हम जेंडर या लिंग कहते हैं। जेंडर इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुल्लिंग। सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, जिसका मीनिंग होता है स्त्रीलिंग। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, मीन्स उभय लिंग। एंड फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर, मीन्स नपुंसक लिंग। चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। जेंडर को जैसा मैंने बताया कि चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। इससे पुरुष जाति का बोध होता है, इससे नर का बोध होता है। इस तरह के नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे आपका टाइगर है, मेल टाइगर, उसको हम टाइगर बोलते हैं। पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एट्सेट्रा, ये सारे आपके मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड हैं। नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर, मीन्स स्त्रीलिंग, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं। स्त्री जाति का बोध होता है, जिससे हमारा मादा जाति का बोध होता है, ऐसे नाउन्स को हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइग्रेस, वोमेन, लाइनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस एट्सेट्रा, ये सारे आपका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये आपका फेमिनिन जेंडर के नाउन्स हैं। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर या उभयलिंग, ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे चाइल्ड, मेल चाइल्ड के लिए भी हम चाइल्ड बोलते हैं और फीमेल के लिए भी चाइल्ड बोलते हैं। बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेवर एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड आपका कॉमन जेंडर के वर्ड हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूटर जेंडर, मीन्स नपुंसक लिंग, ऐसे नाउन जो उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना मेल हो और ना फीमेल हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एट्सेट्रा, ये सारे निर्जीव हैं, इसमें कोई जान नहीं है और इससे न स्त्री जाति का बोध होता है न पुरुष जाति का बोध होता है। तो ऐसे नाउन्स को हम न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में हम कैसे चेंज करेंगे, इसका कुछ रूल्स है, चलिए उसको हम विस्तार से देखते हैं। पहला है, फर्स्ट रूल इज, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ई डबल एस लगाने से फेमिनिन नाउन बनाया जाता है। जैसे मैस्कुलिन में आपका है ऑथर, जिसका मीनिंग होता है लेखक, तो फेमिनिन में इसका होगा ऑथरेस, लास्ट में ई डबल एस जोड़ा गया है। होस्ट मीन्स मेजबान, फेमिनिन होगा होस्टेस, जैसे हम बोलते हैं एयर होस्टेस, इससे पता चलता है कि फीमेल है, और एयर होस्ट होगा तो उससे मेल का बोध होगा। ज्यू का ज्यूसेस, मेयर मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन आपका मेयरेस हुआ, लास्ट में ई डबल एस जोड़ा गया। पोएट मीन्स कवि होता है, इसका फेमिनिन आपका पोएटेस। ट्यूटर का फेमिनिन ट्यूटरेस। सेफर्ड मीन्स गलेरिया, इसका फेमिनिन आपका सेफर्डेस। हियर, हियर मीन्स उत्तराधिकारी, इसका हेरेस। लायन का फेमिनिन आपका लाइनेस है। प्रिस्ट मीन्स पुजारी, उसका फेमिनिन प्रिस्टेस। टेलर मीन्स दर्जी, इसका आपका फेमिनिन टेलरेस हुआ, लेडीज टेलर को हम टेलरेस बोलेंगे। नेक्स्ट आपका रूल नंबर टू है, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के
अंतिम भोवेल एवं उनके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैस्कुलिन में आपका है इम्पेरर, जिसका मीनिंग हुआ राजा। इसमें लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है आर है, उसके पहले भोवेल ओ है। इस दोनों को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से इम्पेरर का फेमिनिन इम्प्रेस हो जाता है। इसी तरह गवर्नर का गवर्नेस, ड्यूक का डचेज, गॉड का गॉडेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, सोर्सरर का सोर्सरेस, सोर्सरर मीन्स होता है जादूगर और सोर्सरेस मीन्स जादूगरनी। तो इन शब्दों को आपको रिमेम्बर करने की आवश्यकता है, याद रखना होगा कि इन शब्दों का फेमिनिन आपका क्या होगा। रूल नंबर थर्ड है आपका, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मैस्कुलिन में आपका है एक्टर, तो एक्टर का एक्ट्रेस फेमिनिन हुआ। यहाँ पे भी ओ आर को हटाकर ई डबल एस जोड़ा गया। इसी तरह है बेनिफेक्टर मीन्स उपकार करने वाला, बेनिफेक्ट्रेस। हंटर मीन्स शिकारी, हंट्रेस आपका फेमिनिन है। प्रिंस मीन्स राजकुमार, उसका फेमिनिन है प्रिंसेस, राजकुमारी। वेटर का फेमिनिन वेट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस एंड टाइगर का टाइग्रेस। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर फोर, कैसे हम मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपका मैन सर्वेंट है, तो इसके फर्स्ट में ही हम चेंज करके उसका फेमिनिन बनाएंगे। तो मैन सर्वेंट का आपका मेड सर्वेंट हुआ। वाशरमैन, इसका फेमिनिन होगा वाशर वुमेन। यहाँ पे देखिए मैन का वुमेन हो गया, लास्ट वर्ड को चेंज किया गया। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, इसका फेमिनिन आपका सिस्टर इन लॉ होगा। ही बियर का सी बियर, बुल काफ का काव काफ। नेक्स्ट है आपका जैक आस, जेनियास। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मिल्क मैन का मिल्क मेड। यहाँ पे देखिए मैन का वोमेन ना होकर के मेड हो गया है, मिल्क मैन का मिल्क मेड। नेक्स्ट आपका है पोस्ट मास्टर, उसका पोस्ट मिस्ट्रेस। पीकॉक का फेमिनिन पीहेन है। लैंड लॉर्ड का फेमिनिन लैंड लेडी है। इसी तरह फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, स्टेप फादर का स्टेप मदर। ही गॉट का सी गॉट, कॉक स्पेरो का हेन स्पेरो। डॉग वोल्फ का फेमिनिन आपका बिच वोल्फ है। स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर। तो इन शब्दों को आपको याद करने की आवश्यकता है कि इन शब्दों का फेमिनिन क्या होगा। इसको, इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लें तो आपको सारे वर्ड्स का मैस्कुलिन का फेमिनिन में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 है, फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इनको किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैस्कुलिन में आपका है एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपके फॉरेन वर्ड्स हैं, तो इसका फेमिनिन एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। नेक्स्ट आपका है एक्सक्यूटर, एक्सक्यूट्रिक्स। लेड मीन्स लड़का, लेड का लाश। प्रोसेक्यूटर, प्रोसेक्यूट्रिक्स। सुल्तान का सुल्ताना। बोअर, बनेला सुअर का सो। ब्रदर का फेमिनिन आपका सिस्टर है। कोल्ट मतलब होता है बछड़ा, उसका आपका फेमिनिन फिली मीन्स बछिया। डॉग मीन्स होता है कुत्ता, उसका आपका फीमेल हो गया, फेमिनिन जेंडर आपका बिच। बक, मैस्कुलिन का बक का फेमिनिन हो गया डोए। इसी तरह इर्ल का कॉन्टेस, मोंग का नन, गेंडर का गूस। गेंडर मीन्स होता है हंस और इसका फेमिनिन होता है गूस। हार्ट मीन्स हिरन, हार्ट का फेमिनिन रोए। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, इसका फेमिनिन होता है एम ए आर ई, मेयर मीन्स घोड़ी। किंग का क्वीन, मैन का वोमेन, मिस्टर का मिस, सिप का यू, सन का डॉटर, अंकल का आंट, फॉक्स का
फेमिनिन विक्सेन, ऑक्स का काओ। इसी तरह जार, सी जेड एयर जार का जरीना। हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर जिसका मतलब होता है वसीयत करता, इसका टेस्ट ट्रेटिक्स। बेचलर का मैड होता है, बेचलर मीन्स कुमारा, इसका आपका मैड मीन्स कुमारी। बॉय का गर्ल, कॉक का हैन, ड्रैक मीन्स बत्तख उसका डक, ड्रोन नर मक्खी उसका बी होता है, मधुमक्खी उसके नर को हम ड्रोन बोलते हैं, उसका आपका फेमिनिन हो गया बी। बुल मीन्स सांड होता है, उसका फेमिनिन काओ हुआ। फादर का मदर, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा और ब्राइड मीन्स दुल्हन। जेंटलमैन का लेडी, ही का सी, हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ, लॉर्ड का लेडी। मेल का फेमिनिन हो गया फीमेल, नेफ्यू मीन्स भतीजा उसका निश, एन आई ई सी, निश मीन्स भतीजी। सर ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन आपका मैडम या डैम। इसी तरह विडोअर मीन्स विधुर, इसका फेमिनिन विडो होगा। विजार्ड मीन्स जादूगर, इसका फेमिनिन डब्ल्यू आई टी सी एच, विच मीन्स जादूगरनी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जेंडर ऑफ नाउन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप जेंडर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन क्या होगा इसका मैंने आपको विस्तार से वर्णन किया, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें ताकि ये आपको पूरी तरह से याद हो जाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।